أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. محترم سامعین و ناظرین کرام, آج کا یہ پروگرام حضرت صاحب لالوں کے 138वें यौम विलादत बसादत के मौके से मुनक़द किया गया है और इसमें मैंने आपके सामने सूरह बकर की आयत शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान आयत तिलावत किया हूँ, क्योंकि माह मुबारक में हज़रत साहब आलम की विलादत हुई, ऐसी 4 रमज़ान सन 1303 सन हिजरी 1303 सन हिजरी और 1886 सन ईस्वी 7 जून हज़रत साहब आलम की विलादत हुई है। बहरहाल मुबारक इस माह मुबारक में हज़रत साहब आलम की विलादत हुई, इसी मुनासिबत से ये आयतें आपके सामने तिलावत किया। और हज़रत साहब आलम के हालात बहुत से किताबों में ख़ुद हज़रत साहब आलम तहरीर फरमाए हैं कि आपका आना बहुत से बशारतें और बहुत से नशानात और बयानात को लिया हुआ आपका वजूद मुबारक है और हिंदुस्तान को जन्नत नशान बनाने के लिए, हिंदुस्तान को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए आपका वजूद हिंदुस्तान में ज़ाहिर हुआ है। और रमज़ान चूँकि क़ुरान के नुज़ूल का महीना है, नुज़ूल क़ुरान, जैसे कि मैंने आयत आपके सामने तिलावत किया हूँ, शहर रमज़ान अल्लज़ी अंज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान वो मुबारक महीना है जिसमें क़ुरान नाजिल हुआ। हुदल लिन्नासि वबय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, और ये हिदायत है लोगों के लिए, वो बयानात और इसमें निशानियां हैं हिदायत की, और फरकान ये हक और बातिल में फ़र्क करने वाला, हक और बातिल को अलग करके दिखाने वाला कलाम है। तो चूँकि क़ुरान करीम एक रूहानी इंसान के वजूद से भी ज़ाहिर होने वाला है, जैसे कि अल्लामा इक़बाल फरमाते हैं, ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नज़र आता है, हकीकत में है क़ुरान। यानी एक मोमिन वो मुजस्म क़ुरान होता है और क़ुरान करीम के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरने वाला होता है। तो हर ज़माने में अल्लाह पाक हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बड़े बड़े रूहानी बरगज़िदा वजूदों को लाकर इस्लाम के पैगाम को दुनिया में आम करता रहा। और इसी मुबारक महीने में यानी रमज़ान अल मुबारक की पहली तारीख को हज़रत पीरान पीर अब्दुल क़ादर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की भी विलादत इसी मुबारक महीने में है, जो औलिया अल्लाह के सरदार कहलाते हैं, सरदारुल औलिया, आपकी भी विलादत इसी मुबारक महीने की पहली तारीख को यानी चांद रात के दिन आपकी जो है ना विलादत हुई, रमज़ान की यकुम तारीख थी। और ये 4 रमज़ान हज़रत साहब आलम की यौम विलादत की तारीख यानी यौम विलादत है। बहरहाल हज़रत साहब आलम हिंदुस्तान के तमाम तूल अर्ज़ में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए आप खड़े हुए, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशारतों की बुनियाद पर और अल्लाह के हुक्म से ये जो दीनदार अंजुमन है, किसी जहन की ये अख्तरा नहीं है,
बल्कि मिन जानिब अल्लाह ये जमात का क़याम अमल में आया है। और हजरत साहब क़िबला आलम यानी हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़ के ये तमाम उमूर जो काम के इस्लाम की जो खिदमात हैं वो मिन जानिब अल्लाह बशारतों की बिना पर क़ायम ही भी हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैं आपके सामने मुख्तसर हजरत साहब क़िबला आलम के हालात को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि आपकी विलादत इसी हिंदुस्तान के अंदर यानी इस हैदराबाद दक्कन में जहाँ पर गुलबर्गा ज़िला पहले गुलबर्गा ज़िला था उस इलाके में बालमपेट एक मुकाम है करिया है छोटा वहाँ पर हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार साहब क़िबला की विलादत होती है। और ये हैदराबाद से बिल्कुल 100-150 किलोमीटर के फासले पर है ये कोड़ंगल के पास और अब जो है ना इसका ज़िला महबूब नगर है और मद्दूर उसका ताल्लुका है मद्दूर नारायणपेट के करीब में। तो ये समझिए कि ये जो परगी है परगी कोड़ंगल उसके बिल्कुल करीब में कोड़ंगल से बिल्कुल करीब है 10-15-20 किलोमीटर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा कम है। तो वहाँ पर दौलताबाद है और उसी से आगे जो है ये मद्दूर है। तो वहाँ पर हज़रत साहब क़िबला आलम की विलादत हुई 7 जून 1886 को। तो चूँकि हज़रत साहब क़िबला हज़रत मौलाना सिद्दीक दीनदार चंद साहब क़िबला क़द्दसुल अज़ीज़ का ताल्लुक़ सादात घराने से है हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ी अल्लाह तआला के रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के खून से यानी सिलसिले से आपकी विलादत है। और आपका जो सिलसिला है सिलसिले क़ादरिया ज़्यादातर सिलसिले क़ादरिया से आपके आबा व अजदाद ताल्लुक़ रखते हैं। और ख़ुद हज़रत साहब क़िबला आलम नशातुल उख़रा के पहले हिस्से में बयान फरमाते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जो है ना क़ादरिया सिलसिले से है और हमारा ख़ानदान वो बगदाद से मुल्तान आया मुल्तान से बेजापुर आया और बेजापुर से मद्रास क्योंकि बेजापुर बहुत इस्लामी रियासत थी बहुत बड़ी रियासत थी आदिलशाही हुकूमत थी वहाँ पर। तो वो हुकूमत जब वो तबाह होने के बाद वो वहाँ के बहुत से जो मुसलमान बड़े बड़े कबीले थे और बहुत बड़े बड़े जो लोग थे वो मुख्तलिफ इलाक़ों में निकल गए। तो आपका जो ख़ानदान कबीला है वो मद्रास गया। तो मद्रास में वहाँ पर आपका कबीला बहुत फूला फैला उसके बाद में मद्रास से फिर हैदराबाद आया। वालाजाही ख़ानदान आपका जो है ये ख़ानदान वालाजाही ख़ानदान है तो सादात ख़ानदान से। और हज़रत क़िबला आलम के जो परदादा है सैयद राज मोहम्मद उनका मज़ार भी मद्रास में चुंगलपेट जो मद्रास यानी अभी जो चेन्नई है तो उसके बिल्कुल अब तो सिटी में आ गया है। तो बहुत बड़ा एक किला है उस किले में कब्रस्तान है तो वहाँ पर आपके परदादा की मज़ार शरीफ आज भी जो है मौजूद है वो आम ज़ियारत के क्योंकि किला है हुकूमत का उस वजह से आम जो है लोगों की वहाँ पर रसाई नहीं है तो वहाँ आपके परदादा की मज़ार शरीफ है। और आपके जो आबा व अजदाद है कसरत से हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि फ़कीरी तबीयत के थे फ़कीरी जो है इससे ताल्लुक़ रखने वाले थे आपकी पीढ़ी में कसरत से फ़कीर फ़कीर से मरा दे के औलिया अल्लाह रूहानी हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने वाले और फ़न सिपागरी से बहुत गहरा ताल्लुक़ था। आपके सिलसिले में बहुत से ऐसे वजूदे हैं जो बड़े बड़े किले फ़तेह करे और ख़ास कर हज़रत साहब क़िबला आलम फरमाते हैं कि मेरे नाना अली मूसा रज़ा जो नांदेड़ में और शोरापुर जो शाहपुर सुरपुर है तो वहाँ के किलों के फतह करने वाले आपके नाना नुमाया काम अंजाम दिए। तो आपके जो ननियाल है वो उदगीर से ताल्लुक़ रखने वाला है महाराष्ट्र में जो लातूर ज़िले में पहले उस्मानाबाद में था अभी लातूर में है। तो उदगीर का जो है ना कबीला था वहाँ पर असादात कबीला आपका तो आपके ननियाल का ताल्लुक़ उदगीर से है और आपके ददियाल का ताल्लुक़ जो है इसी हैदराबाद शहर हैदराबाद से है। और ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों से होता हुआ हैदराबाद में जब यह ख़ानदान आपका बसा सादात ख़ानदान का तो यहीं पर हज़रत साहब क़िबला आलम के बहुत से रिश्तेदार और कबीले के लोग रहते थे।
तो हज़रत साहब क़िबला आलम के वालिद जो है वो पुलिस अफसर थे उस वक्त में, जमादार यानी हेड कांस्टेबल जो आज के इसमें कहा जाता है, तो आप जो है ना पुलिस ऑफिसर थे। इस वजह से आपकी जो ड्यूटी है वो अलग अलग इलाक़ों में ट्रांसफ़र होती थी, वहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ इलाक़ों में भेजा जाता था। तो हज़रत साहब क़िबला आलम के वालिद वालिद जो है वो बालमपेट में, जब यहाँ से हैदराबाद से यानी बालमपेट यानी गुलबरगा बालमपेट ये इलाके हैं, बालमपेट में आप वहाँ पर गए पुलिस अफसर की हैसियत से, तो उसी इलाके में बालमपेट में आपकी विलादत हुई 7 जून 1886, 4 रमजान अल मुबारक 1303 सन हिजरी, और पीर का दिन और सुबह 10 बजे हजरत साहब गुलाम की विलादत होती है, पीर के दिन सुबह 10 बजे। तो वहाँ पर हजरत साहब गुलाम बचपन में कुछ दिन वहाँ पर रहे, और हम खास करके बालमपेट, बहुत से लोग बालमपेट को जो है ना नहीं गए, तो हम लोग जो है इरादा करें कि बालमपेट जाएंगे, तो बालमपेट हम गए थे। 5 मुबल्लिगीन जो है ना वहाँ पर गए, जाने के बाद में वहाँ के जो कदीम जो लोग हैं उनसे भी मुलाकात हुई, खास करके अब्दुल रहमान साहब करके थे, काफ़ी तभी बड़ी उम्र थी उनकी, और एक सत्तार साहब करके थे, अभी भी बाहयात हैं वो, तो उनसे मुलाकात किए। तो वो वहाँ के कुछ हजरत साहब के जो उनसे जो वो सुने हुए थे हालात, वो हालात भी बयान किए। तो वहाँ पर हजरत साहब की विलादत हुई, तो आपके वालिदा जो है वहाँ पर दूध जो है ना कम आने की वजह से, एक पड़ोस में एक औरत थी उनका नाम था हुसैन भी, वो जो है वो आप हजरत साहब गुलाम को दूध पिलाए बालमपेट में, और वहीं पर हजरत साहब गुलाम के वालिद कुछ दिन या कुछ महीने या कुछ साल वहां पर रहे बालमपेट में। फिर उसके बाद में मद्दूर बाजू में जो है ना आज ताल्लुक है उसका, मद्दूर जो है वहां पर आए, मद्दूर में जो है कुछ दिन हजरत साहब गुलाम रहे, और लिखे भी हजरत साहब गुलाम के मद्दूर में अल्लाह का वो नूर आया। तो मद्दूर से उसके बाजू में अभी कर्नाटक में आता है बालमपेट, तो बालमपेट में हजरत साहब गुलाम आए, और बालमपेट के माने भी होते बालमपेट में गुरमिटकल, सॉरी गुरमिटकल, तो गुरमिटकल जो है वो हजरत साहब गुलाम उस वक्त थोड़ा सा बड़े हो गए थे, बकरियां वगैरह आप जो है ना चराते थे, और बकरियां, दो बकरियां थे वालिदा के पास, तो उसके जो है मतलब घर में, वैसे तो आप पुलिस ऑफिसर के बेटे थे लेकिन जो है बकरियों से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इस मुनासिबत से आप जो है ना बकरियों के चरवाहे बने, ये भी तस्करा आप हजरत साहब गुलाम लिखे हैं। तो ये जो है मद्दूर से गुरमिटकल आए, गुरमिटकल अब जो कर्नाटक इलाके में गुलबर्गा यादगिरी जिले में आ गया है, तो गुरमिटकल, गुरमिटकल से हजरत साहब गुलाम जो है फिर इधर बोधन आए, बोधन जो निज़ामाबाद, निज़ामाबाद जिले में है, तो बोधन बड़ा ताल्लुक है निज़ामाबाद का, तो वहाँ पर हजरत साहब गुलाम की बिस्मिल्लाह खानी हुई, यानी बिस्मिल्लाह जो अमूमन 4 साल की उम्र में, 4 साल 4 महीने 4 दिन में बिस्मिल्लाह खानी होती है, तो बिस्मिल्लाह खानी बोधन में भी, और बोधन के लफ्जी माने संस्कृत में जो है ना बोधन, बोधने मतलब जो है ना कोई कलाम पढ़ाना या पढ़ना, इसको जो है ना बोध कहते हैं, तो बोधन का बोध कहते हैं, यानी बोध के माने कुछ जो है संबोधित करना, किसी को बोलना समझाना, तो इस माने के लिहाज से भी जो है वो बोधन यानी बिस्मिल्लाह खानी का गांव, तो हजरत साहब गुलाम की बिस्मिल्लाह खानी वहां पर भी बोधन में, और उसके बाद में हजरत साहब गुलाम के वालिद जो है ना वो गुलबर्गा ट्रांसफर है, गुलबर्गा जो है आने के बाद, गुलबर्गा बड़ा जिला है आज कर्नाटक में, पहले हैदराबाद, ये सब हैदराबाद स्टेट, पहले जितने भी हजरत साहब गुलाम के ये जो बचपने के जो मकामात हैं, ये मकामात जो है ना पहले हैदराबाद स्टेट में आते थे, तो हैदराबाद स्टेट क्योंकि अब वो इंडिया में मतलब जो है ना यूनियन में मिलने के बाद में कुछ हिस्सा आंध्रा में रह गया, अब तेलंगाना में आया, कुछ हिस्सा कर्नाटका में, कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, इस तरह चले गया, तो पहले पूरा ये हैदराबाद इलाका कहलाता था। तो आपके जो वालिद थे वो जो ट्रांसफर होते थे, तो वो इसी हैदराबाद इलाके के जहाँ पर भी जो है मकामात हैं पुलिस उसके महकमे के, वहाँ पर जो है आपको मुंतकिल करते, गवर्नमेंट की तरफ से मुंतकिल होते थे। तो बहरहाल ये जो है होते गुलबर्गा आए, गुलबर्गा में हजरत साहब गुलाम के वालिद जो है बहुत ज्यादा दिन, बल्कि हजरत साहब गुलाम की पूरी तालीम होने तक आप जो है ना गुलबर्गे में ही रहे, तो गुलबर्गे से बिल्कुल करीब एक करिया है वहाँ पर हेरापुर,
एमएस किमिल के बिल्कुल इधर जो है, एमएस किमिल से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होता है, तो एक गांव है। अब तो वो भी हदा गुलबर्गा सिटी में आ गया। तो वहां पर हजरत साहब गुलाम के वालिद थे, तो वहां पर उर्दू तालीम, उर्दू फारसी और अंग्रेजी भी हजरत साहब गुलाम वहीं से शुरू करे। बाद में जो है वो मद्रास में सिटी कॉलेज में, हैदराबाद के सिटी कॉलेज में, मद्रास मोहम्मडन कॉलेज, वहाँ पर हाई स्कूल था, मोहम्मडन कॉलेज था, तो वहां पर हजरत साहब गुलाम तालीम हासिल करे। तो ये गुलबर्गा में तकरीबन हजरत साहब आलम जो है ना वहाँ पर रहे, 25 साल की उम्र, तकरीबन 25 साल की उम्र तक हजरत साहब आलम गुलबर्गे से ही ताल्लुक रखे। बाद में तालीम खत्म होने के बाद दवाखाना भी, हजरत साहब जो आई स्पेशलिस्ट यानी आंखों के आप डॉक्टर थे, तो वो दवाखाना भी आप गुलबर्गे में लगे, हेरापुर में, वहीं पर जो है ना दवाखाना आप लगाए थे। आपके बड़े भाई थे महबूब हसैन साहब, जो हजरत साहब आलम के बड़े भाई हैं और हजरत साहब गुलाम की तस्दीक करने में भी सबसे अव्वल हैं। आप जो है सैयद महबूब हुसैन मलहमिल्ला, आप जो है ना डॉक्टर थे, तो हजरत साहब गुलाम की उनके साथ रहकर डॉक्टरी जो है ना वो मालूमात हासिल किए, और कुछ जो है ना तालीमी से भी जो है आप डॉक्टरी का तजुर्बा हासिल किए थे। तो बालमपेट में दवाखाना आपके भाई का था, तो आप भी वहीं पर रहते थे। तो बहरहाल जो है ये हजरत साहब क़िबल आलम उसमें हेरापुर में रहे 25 साल तक, 25 साल के तकरीबन। उसके बाद में हैदराबाद में, क्योंकि खानदान पूरा हैदराबाद में ही बसा हुआ था। ये जो मकामात हैं बालमपेट या मद्दूर या गुरमिटकाल या बोधन और ये जो है ना हेरा, ये जो है हजरत साहब क़िबल आलम के वालिद के नौकरी करने के वक्त में जो ट्रांसफर होते थे वो मकामात। लेकिन आपका जो बुनियादी मतलब जो आपका जो आबाई या आपका जो खानदान जो फैला हुआ है, जो आपका जो घर था वो तो पूरा हैदराबाद ही था। हैदराबाद में बहुत से रिश्तेदार हजरत साहब क़िबल आलम के हैदराबाद में, यहाँ पर अमीरपेट में थे और ओल्ड सिटी में, पुराना शहर में, तो ये बहुत से जगह हजरत साहब क़िबल आलम के, खास करके मलकपेट के इलाके में और इधर जो है ना सरूर नगर में और यहाँ पर अमीरपेट में भी बहुत से आपके रिश्तेदार वहां पर रहते थे। तो हजरत साहब क़िबल आलम ये जो है हैदराबाद आना जाना ज्यादा था और तबलीग इस्लाम के काम से हजरत साहब क़िबल आलम ज्यादा कर्नाटक इलाके में रहे। तो कर्नाटक इलाके में ये भी कि लिंगायत कौम जो बहुत ही इस्लाम से करीब थी और इस्लाम की अकीदत रखने वाली कौम थी, उनमें तबलीग इस्लाम करने के लिए, उनको इस्लाम समझाने के लिए ज्यादातर हजरत साहब क़िबल आलम कर्नाटक में। बहुत से लोग ये समझते हैं कि आप कर्नाटक के इलाके से इस तहरीक का आगाज किए तो आप कर्नाटक के हैं, गदग के हैं, ये जो है ना लोगों को गुमान होता है। तो बहरहाल आप जो है ना सिर्फ तबलीग इस्लाम के जज्बे से कर्नाटक के इलाके में रहे, वरना आप जो है ना हैदराबादी, ठेठ हैदराबादी। हजरत साहब क़िबल आलम फरमाते हैं, हैदराबादी हूँ, यानी मैं, हजरत साहब फरमाते हैं कि मैं हैदराबादी हूँ, नशा में अशार में हजरत साहब क़िबल आलम फरमाते हैं। और बहरहाल जो है हजरत साहब क़िबल आलम ये इलाका में, आप बालमपेट ये जो भी इलाके हैं वहां पर हजरत साहब क़िबल आलम तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करने के बाद भी जो है कर्नाटक का इलाका पसंद आने की वजह से बेजापुर में और तालीकोट में, और उसके बाद में तालीकोट के बाद बेजापुर, उसके बाद में हुबली, धारवाड़ और गदग, ये सारे जो है तबलीग इस्लाम के सिलसिले में हजरत साहब क़िबल आलम यहाँ पर दौरा करें। तो बहरहाल हजरत साहब क़िबल आलम की जो विलादत है 4 रमजान अल मुबारक, वो 4 रमजान अल मुबारक पहले से लिखी हुई यानी बशारतों की बिना पर आपके ताल्लुक से अहादीस में भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यखरुजु रजुलु मिन उम्मति यकुलु मिन मिन्नति युनज्जिलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला लहुल क़त्रा मिनस समा, यानी मेरी उम्मत से एक शख्स खड़ा होगा, यानी एक मर्द खड़ा होगा जिसके 40 साल की उम्र होगी और सीधे कले पर सियाह खाल होगा और 2 सूती अबाए पहनेगा, मतलब जो है ना सूत के यानी कॉटन के 2 जो है ना कपड़े पहनेगा, तो सदरिया और जुब्बा 2 हजरत साहब पहनते थे। और यही नशानात कन्नड़ी काले ज्ञान में भी लिखे हुए थे, हसर उम्बालु काव्य अंगे सार विचार लुंगी गड़ू अरसा अरसवड़िया देवर देवा करगिस व कल्ला बुद्धियर, आप जो है ना हरा अमामा पहनेंगे और काहू का जो है ना जुब्बा पहनेंगे ये, और नागबेद यानी हाथ में जो है आसा आसा पकड़ेंगे, ये नशानात कन्नड़ी काले ज्ञान में और अहादीस में और यहाँ के
शास्त्रों में भी आपका तذکرہ आया कि खास करके अदर साहब गालम फरमाते हैं कि यहाँ के जो वैदिक सिद्धांत के जो किताबें हैं जो व्यास महर्षि व्यास उपनिषद करके उसमें है और व्यासकृत भविष्य ज्ञान उसके अंदर हजरत साहब फलान के निशानात लिखे हुए हैं। लश दुर्धव केशम रथांग त्रिशूलांग कितबाव हस्तम चन्नेश्वर हस्तम शरणम प्रणामी, तो ये व्यास महर्षि की लिखी हुई है और इसमें बताया गया कि ये रथांग आपके हाथ नक्श वाले होंगे और काशाय वस्त्रम काशाधारी पहनेंगे, लश दुर्धव केशम और केश यानी जुल्फे बाल रखने वाले होंगे और हाथ में जो है ना आशा पकड़ेंगे, चन्नेश्वर हस्तम उसके चन्नेश्वर के हस्त में हाथों में निशान होंगे, शरण मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ये व्यास महर्षि की किताब में लिखा है। तो इसी तरह यहाँ के वीरभग वसंत राय यानी वीर ब्रह्मम जी उनके काले ज्ञान में भी लिखा हुआ है कि कला योग में ऐदु वेळ्ळ लोपल ఎల్లవారుంగు ఇది అబద్ధము యోగతాళం చేసిన వారు నశింతులు ఇది వీరి గురిని వాక్యమే తప్పదు ఏ జో హై వీర బ్రహ్మం జీ కే కాల జ్ఞాన మే లిఖా హువా హై కే 5000 సాల్ కే 4000 సాల్ కే బాద్ యానీ 5000 కలియుగ కే అందర్ నేను కలియుగము 5 వేళలు లోపలు వచ్చున్నది ఎల్లవారుంగు ఇది అబద్ధము యోగతాళం చేసిన వారు నశింతులు ఇది వీరి గురిని వాక్యమే తప్పదు, ये वीर ब्रह्मम की जो बात है ये कभी झूठ नहीं होने वाली है, ये कलयुग के 4000 साल के बाद 5000 साल के अंदर कल्ला युग में ऐदु वेळ्ळ लोपल यानी जो है ना 5000 के अंदर जो है वो वीर भगवसंत राय आएंगे। तो ये वीर भगवसंत राय के माने होते दुनिया को यानी खासकर हिंदुस्तान को खुशहाल यानी जो है ना एक वसंत एक खुशगवार मौसम पैदा करने वाले और इंसानों के अंदर सुकून और इत्मीनान बख्शने वाले, बाहर का जो है ना वक्त आएगा बाहर का मौसम आएगा, तो बाहर से मुराद देने के जो है ना बारिश, एक तो बारिश आप जहां जाते थे वहां पर 24 घंटे के अंदर बारिश आती थी और दूसरी बात यह है कि ये तो जाहिरा बारिश वगैरह से इंसानों के दिल हरे भरे होते हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि धर्म का यहाँ पर उल्लंघन किया जा रहा था अंग्रेजों की हुकूमत की वजह से। बहुत से लोग चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो कोई भी हो ये मजहबी जो है मामलात में अंग्रेज इसके अंदर बहुत सा दरार पैदा कर दिए थे लोगों को मजहब से बेजार करके, इनके अंदर लौकिक भावना यानी जो है ना दुनियाई मोहब्बत पैदा कर रहे थे। इस वजह से कन्नड़ी काल ज्ञान में भी कहा गया है कि लिंग द टपीडवरु माति माति के तंति माडवरु इंथा यंत्रदास बंदर यंदाग नंबलारंद सर्वज्ञ, ये दुनियादार और जो है ना लिंग की टोपी रखने वाले ऐसे मक्कार लोग होंगे और वो दुनिया के जेब जीनत में पड़े हुए रहेंगे, इनकी बात मत सुनो। तो ये जो अंग्रेज हैं इनके अंदर दीन मजहब का जज्बा नहीं था बल्कि ये दीनदारों को भी दुनिया के लिए घसेड़ते थे। इस वजह से यहाँ पर लोग जो है दीन की तरक्की को पीछे पसे पुष्ट डालकर लोग दुनिया की तरक्की के पीछे पड़े थे। इसलिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत बनाए खूब आजादी ने फंदे मियां नज्जार भी छिले गए साथ निहायत तेज है यूरोप के रंदे, तो उठाकर फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, यानी जो ये जो नई तहजीब अंग्रेजों की आई थी इससे मजहबी जो है जज्बात को बिल्कुल खत्म कर देकर दुनियाई जो है जज्बात या दुनियाई जो है ना सरगर्मियां पैदा कर रहे थे। तो ऐसे जमाने में हजरत मौलाना सिद्दीकुद्दीन चंद्र साहब कद्दसुल अजीज आप जो है इस्लाम का पैगाम लेकर दीन की तबलीग का ऐलान करते हुए मुसलमानों को इकट्ठा करें, क्योंकि मुसलमान बहुत से मुर्तिद हो रहे थे इत्तेदाद का शिकार हो रहे थे और जो है पहली बात तो मजहब का जज्बा ही खत्म हो जा रहा था और दूसरी बात ये कि हाकिम में वक्त का जो मजहब है ईसाई मजहब और दूसरी तरफ जो जमे गफीर जो लोगों का बहुत से जो कसरत जो तदाद जिनकी है या जिनका जो ना वावेला है या इस्लाम के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे ऐसे लोगों के शिकार हो रहे थे। तो ऐसे जमाने में आप हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतों की बिना पर बशारत में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बशारत में तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि इस दौर में इशात इस्लाम के लिए अल्लाह ताला आपको खड़ा किया है, तो आप जो है ना इस्लाम की तबलीग करें, तो उस बशारत के
पाने के बाद हजरत साहब खुद आलम इस्लाम की तबलीग करने के लिए मैदान में खड़े हो गए और गदक के इलाके में खुद जो है आपको बशारत हुई कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की खिदमत के लिए आपके जो है रोया में आकर इस जो है काम को अंजाम देने का हुक्म देते हैं और खुदा के तरफ से आप जो है इल्हाम पाकर के तू ही चंद बसवेश्वर है। तो ये कन्नड़ी जबान का लफ्ज है, इसमें ये बताया गया कि अल्लाह का सच्चा बंदा, चंद बसवेश्वर के माने होते अल्लाह का सच्चा बंदा। तो यानी इसको अगर अरबी में तर्जमा करेंगे तो सिद्दीक अब्दुल्लाह होते। तो ये नाम में कोई ये नहीं, बहुत से लोग क्या नाम से इख्तलाफ रखते हैं कि भाई एक मुसलमान है तो हिंदू का नाम क्यों रखे। तो ये जबान का जो है फर्क है, जबान का अगर फर्क हम समझेंगे तो कोई चीज ऐसी उसमें जो है गलत नहीं नजर आती अकायद, क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप कामिल मुत्तबे हैं। बहुत से लोगों का गुमान है कि आप हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुवत का दावा, क्योंकि ये चंद बसवेश्वर और ये जमात के लिबास से शक्ल शबाह से बहुत से लोगों को गुमान होता है कि ये अलग जो है ना मजहब है, ये अलग जो है ना इस्लाम से कटा हुआ कोई फिरका है, ये समझते हैं। हालांकि आप जो हुलिया अख्तियार किए वो ऐन इस्लाम का है, हराम मामा खुद हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ये गेरवा जो लिबास है ये भी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है ज़ेबतन फरमाएं। ये मशहूर हदीस बुखारी की हदीस है और इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बरार बिन आसिफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदनी रात में देखा, आपके जिस्म पर सुर्ख लिबास था, सुर्ख जो है ना हुल्ला था, सुर्ख लिबास था, हुल्लतुल हमरा कहा गया हदीस में, तो सुर्ख लिबास था। तो मैं कभी चांद को देखता और कभी आपको देखता, तो मुझे आप चांद से ज्यादा हसीन नजर आते थे इस लिबास में। तो हम ये लिबास जो है आप इसलिए यहाँ पर अख्तियार किए कि तबलीग इस्लाम के काम के लिए एक तो सुन्नत है हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और दूसरा यहाँ के लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करने के लिए ये तबलीग ड्रेस, तबलीगी जो है लिबास आप अख्तियार किए। तो इसमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है और इस्लाम की तबलीग करने के लिए एक आसान तरीका है, क्योंकि हम इस लिबास में पंडितों के पास, मठों में या हिंदुओं के पास जाते हैं तो वो एक जो है साधु रूप यानी एक बुजुर्ग की नज़र से हमको देखते हैं, हमारी बातें बड़ी जो है ना मोहब्बत और खुलूस से सुनते हैं। इस वजह से ये लिबास आप अख्तियार, और बहुत से औलिया बुजुर्गान दीन यानी कि सिर्फ हम ही पहने हैं बल्कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का लिबास यही चिश्तिया लिबास, इसी को चिश्तिया लिबास के नाम से भी यहाँ पर जो है ना याद किया जाता है। यही लिबास हजरत साबिर कलियरी उनका लिबास भी यही जो है लिबास था, सुर्ख मायल लिबास था। और हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन आला बेजापुर के अंदर बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आपका लिबास आपके जो सज्जादे अगर आप देखेंगे तो वो तो जो है लुंग भी जो है ना इसी लिबास की बहनते हैं, शमला भी जो है ना इसी जो है रंग का बांधते हैं, आप देखेंगे तो ऐसा मालूम होता है कि कोई पंडित है, कोई स्वामी है, मठपति है, ऐसा नजर आता है। तो ये औलिया अल्लाह बुजुर्गाने दीन भी इसी वजह से अख्तियार करे इस लिबास को। तो बहरहाल आप जो है इस लिबास को अख्तियार किए और ये सारा जो हुलिया है ये गोया के इस्लामी हुलिया है, इसमें इस्लाम की तबलीग करने के लिए खड़े हो गए और मुसलमानों के अंदर ये रूप होके कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम है आज मुसलमान छोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो इस्लाम का जज्बा, इस्लाम की तड़प नजर नहीं आ रही है। तो हम जो है इस्लाम को गालिब करने के लिए जिस तरह ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के अंदर आए और लाखों लोगों को इस्लाम में दाखिल किए, आप एक तन्हा आए, कोई हुकूमत का जो है फवर लेकर नहीं आए बल्कि अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का जो है ये रूहानी सरमाया लेकर हिंदुस्तान के अंदर आए, जिससे जो है लाखों लोग आपके इस तबलीग इस्लाम से दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। तो इसी तरह हजरत साहब क़िबल आलम यहाँ पर जो है इस हिंदुस्तान के अंदर उनकी जबान में और उनके लबो लहजे में और उनके तत्व ज्ञान, जो तत्व ज्ञान उनका जो सिद्धांत है उसके मुताबिक जो है इस्लाम की बातों को और यहाँ के जो तत्व ज्ञान सिद्धांत है वेदों के, शास्त्रों के, लिंगायत किताबों लिंगायतों के जो मूल जो है ना सिद्धांत है उसको जो है कुरान करीम के अंदर दिखाए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि तुम जो है कोई बात अगर इस्लाम से मिलती हुई है तो उसको जो है तुम कबूल करो और उस बात को जो है ना तुम मानो, ताउन अल बिर व तक्वा व
वला ताउन अलल इस्म वल उदवान। और अगर इस्लाम अगर कोई नेकी की बात चाहे कहीं मिले उसको जो है अगर कुरान में वो बात है तो तुम जो है ना उससे अग्री करो, यानी तुम जो है ना उसको मानो। दूसरी जो बातें हैं वह आसान तरीके से पेश की जा सकती है। तो बहरहाल इस तरह हजरत साहब कुतुब आलम हिंदुस्तान के अंदर तबलीग इदारा इस हैदराबाद में कायम करे। आप जो है ना ये कर्नाटक और बेंगलोर इस इलाकों में जो है ना दौरा करते हुए आखिर में हैदराबाद मरकज आसिफ नगर में इसका जो है मरकज कायम करें और एक जमात बहुत बड़ी जमात जो है मबल्लगीन इब्तिदा में 40 मबल्लगीन ऐसे कायम किया, ऐसे जो है 40 मबल्लगीन को तैयार करें जिसमें हर जबान में कन्नड़ी मराठी तेलुगु गुजराती और जो है ना हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी ये सारे जबानों में मबल्लगीन बयान करने वाले बड़े बड़े पंडितों के पास जाते, उनको इस्लाम का पैगाम देते और बहुत से पंडित आचारी हजरत साहब के हाथ पे इस्लाम कबूल करें और दायरे इस्लाम में जो है ना दाखिल हुए। तो ये जो है काम को आप हैदराबाद में पूरे हिंदुस्तान में फैलाने के लिए यहाँ पर मरकज कायम करें और इसमें कई तंजीमें खानखाए सरवर आलम दीनदार अंजुमन और जो है यहाँ पर हजरत साहब इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो है बुनियाद भी हजरत साहब डाले और वो इसलिए कि तबलीग इस्लाम का काम करने के लिए मुसलमानों का इत्तेहाद होना बहुत ज़रूरी है। मुसलमान अगर मुत्तहिद नहीं होंगे तो हम जो है गैरों के पास जाकर इस्लाम की दावत देने के लिए दिक्कतें पैदा होती है और मुसलमान क्योंकि मुसलमानों का इत्तेहाद सिर्फ इस्लाम के गलबे के लिए है, इस्लाम की तबलीग के लिए है। इस वजह से इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद जो है हजरत साहब 1938 में जो है ये बुनियाद यहाँ पर 1936 के बाद 37-38 में ये जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद हैदराबाद में रखे, बड़े बड़े उलमा को जमा करे और बड़े बड़े यहाँ के मशाखीन उनको हजरत साहब आलम यहाँ पर जमा करे, जमा करके बहुत बड़ा जलसा रखे। तौहीद मंजिल में हैदराबाद में एक जो है ना बहुत बड़ा वो था तौहीद मंजिल जहाँ पर प्रोग्राम वगैरह होते थे वहाँ पर रख के हजरत साहब आलम तमाम उलमा को जमा करे, मशाखीन को जमा करे कि इस्लाम की इशाअत के लिए हम मुसलमानों का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उसमें शिया सुन्नी देवबंदी और वहाबी तमाम जो है ना मकतब फिक्र जो इस्लाम के जो उलमा थे मशाखीन थे इन सब को जमा करके हम मुसलमानों का इत्तेहाद होना चाहिए क्योंकि हमारे नबी एक हैं, हमारा हमारी किताब एक है, अल्लाह एक है और क़िबला एक है और हमारी इबादत का तरीक़ा एक है। तो इस तरह 700 उसूल आप पेश करें कि 700 उसूल ऐसे हैं जिसमें तमाम मुसलमान जो है इसके अंदर शामिल हैं और इसको मानते हैं। तो ये जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखे। तो बहरहाल इस तरह बहुत से ऐसे तंजीमें और ऐसे जो है मुबल्लिगीन को तैयार करके हिंदुस्तान के तूल अर्ज में तबलीग इस्लाम के लिए आप जो है ना मुबल्लिगीन को भेजाए और रात दिन इस पैगाम को आम करने के लिए मुबल्लिगीन जो है हर जबान में मठों में मंदिरों में चर्चों में गिरजाघरों में हर जगह जाकर और मुसलमानों के मसाजिद में और बड़े बड़े महफिलों में जाकर जो है मुसलमानों के अंदर वलवले तबलीग पैदा करना और गैर अकवाम को इस्लाम की दावत देना, ये दो जो है ना अहम काम है जिसमें जो है हज़रत साहब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान मुबारक हैं वो नौजवान जो इस काम में हमारा साथ देते हैं। और हमारा काम चूंकि ये हमारा मखसूस काम नहीं है तो इस्लाम का काम है और हर मुसलमान इस काम को अंजाम देना है और हर मुसलमान से क्योंकि आप फरमाते हैं कि मैं मुसलमानों का भाई हूँ मेरा कोई फिरका नहीं है, हर मुसलमान हमारी तहरीक का मेंबर है। हर मुसलमान जो भी मुसलमान भाई चाहे वो बैत करे या ना करे, बैत जो है ना उसके लिए दीनदार अंजुमन में दाखिल होने के लिए शर्त नहीं है बल्कि वो यहाँ पर आ सकता है तालीम हासिल कर सकता है। बैत सिर्फ जो है रूहानी फैज रसानी के लिए और रूहानी मारिफत और रूहानी जो है उसके अंदर रुमूस पैदा होने के लिए ये बैत का सिलसिला तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। इन्ना लज़ीना युबायनुका इन्नमा युबायनुल्लाह यदुल्लाहि फौकादिहिम और आपका हाथ अल्लाह का हाथ बनकर सहाबा इकराम से बैत लिया। तो इसी तरह औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन जो है इस सिलसिले को बाकी रखे और बैत जो खुदाई ताल्लुकात के लिए बैत का जो है बैत करना जरूरी है। तो ये जो है बैत का हजरत साहब फरमाते हैं सूफी मशरब है मेरा तारीख दुनिया हूँ मैं बात साथ कर लेता हूँ मैं बैत रिजवान कर। तो मैं जो है हमारा मशरब जो है सूफियाना है क्योंकि बहुत से लोग क्या है इन सूफियाना तर्ज को छोड़कर इस्लाम को फैलाने के लिए एक जो है आलिमाना ऑफिशियल
ऑफिस जो है ना ऑफिसरों की तरह तबलीग इस्लाम का काम अंजाम देना चाहते हैं। ये जो है क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबा इकराम को जो नमूना था वो सूफियाना था, वो कोई जो है आलिमाना यानी मदरसा कायम करके इस तरीके से मदरसे तो जरूरी है इसके लिए, लेकिन सूफियाना इसलिए अल्लामा इकबाल भी फरमाते हैं, फिरत की गुत्थियां सुलझा चुका हूँ मेरे मौला मुझे साहब जुनू कर, शरीक जुमरे ला यहजनू कर, अता असलाफ का सोजे दरू कर, फिरत की गुत्थियां सुलझा चुका मैं मेरे मौला मुझे साहब जुनू कर। तो यानी जो सूफियाना तर्ज से जो इस्लाम की इशात होती है वो जो है आलिमाना या मदरसों से, आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर जितना भी इस्लाम फैला है वो औलिया अल्लाह से बुजुर्गान दीन से इस्लाम फैला है, सूफियाना तरीके से इस्लाम फैला है, मदरसों से इल्म फैलता है, और इस्लाम को फैलाने के लिए रूहानी लोग औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन आते हैं। तो इस वजह से आप जो है ये खानखा कायम करें और मुबल्लिगीन को जो है रूहानी अकदार पर काम करने के लिए बैत का ये जो है ना सिलसिला हज़रत साहब कबल आलम शुरू करें। तो बैत जो है करने से इंसान के रूहानी रुमुस वो जो है वो मुनकशिफ होते हैं, वरना कोई आकर जो है ये अगर इनफरादी हैसियत से भी काम करना चाहता है, इल्म हासिल करना चाहता है, तबलीग इस्लाम का मेंबर बनना चाहता है, तो वो इसके लिए कोई हमारे पास बंदिश ऐसा नहीं कि बैत करा तो ही हम जो है ना अपना समझते हैं, बैत करने के बाद ही हम उसको मुसलमान समझते हैं, ये जो है ना बिल्कुल काम ख्याल लोगों का अगर ऐसा ख्याल है तो ये बिल्कुल गलत ख्याल है। आप जो है हर मुसलमान को इस काम के लिए बुलाए और आप फरमाए कि मैं हर मुसलमान का भाई हूँ। तो बहरहाल ये जो बहुत मुबारक वक्त, क्योंकि रमजान जो नुजूल कुरान का महीना है, इसी जो है ना माह मुबारक के मुकदस जो है ना महीने में आपकी विलादत हुई, गोया कि आप जो है कुरान करीम में ऐसे जो है सरगर्दा और कुरान करीम में ऐसे जो है ना डूबे हुए थे कि हर आयत पर बसीरत अफरोज जो है लोगों को पैगाम कुरान करीम का सुनाते थे, और कुरान करीम दर्स कुरान हमारे पास कुरान से होता है और खुतबा कुरान करीम से होता है और तकरीर बाज बयान जो है कुरान हमेशा आपके हाथ में। हज़रत साहब कबल आलम फरमाते हैं फकीर का इस कदर तंग गुजरान था, रहने को मकान न था, एक इल्म कुरान था जो रहमत का निशान था, हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत वो कुरान करीम है, कलामुल्लाह है, और जो है कुरान करीम से वो रुमूज बयान करे, तमाम यहाँ के वे शास्त्रों को कुरान में दिखा, ये सबसे बड़ी खूबी है। आपकी जामिल बहरन जो हज़रत साहब कबल आलम की मायनास किताब है उसके अंदर तमाम हिंदुओं के जो अकायद है वो कुरान करीम के अंदर दिखा है, कुरान क्योंकि जामे जमीय कलिम है यानी तमाम किताबों का मजमा है, तो वह सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि आप जो है ना वो करके दिखाए, जो लिंगायतों के लिंग का जो सिद्धांत है, लिंग का जो है ना जो तसव्वुर है और उनकी जो बुनियादी जो अकायद है उसको जो है हज़रत कबल आलम जो है कुरान करीम के अंदर दिखाए। इसी तरह ब्राह्मणों के जो सिद्धांत है, इसी तरह ईसाइयों के, क्योंकि कुरान का दावा है फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, ये किताब नहीं बल्कि कुतुब खाना है। तो बहरहाल हज़रत मौलाना सिद्दीकुद्दीनदार चंद साहब कबला कद्दसुल अज़ीज़ हिंदुस्तान में इस्लाम के तबलीग के लिए ये रूहानी जो है ना इदारा कायम किए, और इसमें जो है उन लोगों को जमा करे जो इशात इस्लाम का काम करना चाहते हैं रूहानी बुनियादों पर। तो बहरहाल ये रूहानी जमात है और इस मुबारक माह महीने में, रमज़ान के मुबारक महीने में इसका क़याम अमल में आया है। अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले, दीन की खिदमत ले। वाखिर बारकल्लाहु लना वलकुम फिल कुरान अज़ीम वनफ़ाना वइय्याकुम बिलात ज़िक्र हकीम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।